मतलब दिन रात दिन धड़े कांग्रेसी कह रहे हैं कि 2024 में लाल किले पर 15 अगस्त पर तिरंगा तो राहुल गांधी ही फहराएंगे नहीं, यहाँ मोदी जी फहराएंगे कमल के गुलाब के फूल पे। बस मोदी जी के साथ हनुमान जी है, मोदी जी के साथ भगवान श्री राम है, और मोदी जी के अंदर देखो तो राम जी नजर आएंगे। लाल किले ऐसे इसने जब लाल किले पे मोदी ही अच्छे, लाल किले पर मोदी ही अच्छे लगते हैं और कोई नहीं अच्छा लगता। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी तो कैसे भी नहीं लगते। जब मोदी सिर्फ यहाँ इस कलयुग में मोदी भगवान के रूप में आए, अगर कोई मोदी को सच्चे दिल ईमान से देखेंगे ना उनका भी उद्धार हो जाएगा। मोदी वो चीज है, मोदी ने कोई जात बिरादरी नहीं करी, मोदी के लिए सब एक है, मोदी सबको अपना बच्चा मानते, और मोदी हमारी माँ और मोदी हमारे बाप, हमारे बच्चे के लिए सब कुछ मोदी। राहुल गांधी ने करा क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा सब प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी को क्या पता? राहुल गांधी का पूरा परिवार नाश हो गया, ऐसा राहुल गांधी हुए सब उन्हें वो करते। इंदिरा गांधी क्यों मारी गई? क्यों मारा गया संजय? और क्यों मारा गया राजीव गांधी? क्या है? और इसका जो तो खुले धाड़े से घूमता, ये तो कहते है मेरे कोई नहीं है, ये तो शेर का बच्चा, इसकी परिवार चलाएंगे देश, ये चला रही थी इनके तो सब, इनका तो देश ही परिवार है, दुनिया चला रही है, ये तो चला ही रहे हैं। जिसने राहुल कह रहे हैं, राहुल ने करा क्या है? राहुल कह रहे हैं 70 साल से हमारी सरकार। अयोध्या में जब मंदिर बना, अयोध्या में पहले जब उनको सौगंध राम की खाते हम मंदिर यही बनाएंगे, उस राम जन्म भूमि का मामला हल करके दिखलाएंगे। बड़े बड़े योद्धा मरे अवध में मंदिर के बारे में, और आज जो मोदी जो था इसने ऐसा कुछ करा, मंदिर ही बना, हमारा मंदिर बना, हमारा धर्म बना, भगवान श्री राम का नाम चला, घर घर में भगवा फैलाए, घर घर में भगवान श्री राम का जय जयकारा बोलेंगे, बोले शिव राम चंद्र भगवान की जय। कुल मिलाकर यही है कि राहुल गांधी के सपने पूरे नहीं होने, नहीं होने के, नहीं होने के, नहीं। अरे ये गरीब में, ये गरीब हमारा मेरा 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए 26 दल इकट्ठा किए थे हमारे, एक बार नहीं, मोदी कई बार हमारे मेरठ में आ गया। हमें मानते हैं मोदी, हमें समझते हैं मोदी, हमारे मेरठ को मानते हैं मोदी। राहुल गांधी क्या है? बिल में छुपा बैठा। राहुल गांधी अपना आप को ही बचा लो, राहुल गांधी अपना आप को जब बचा लो, मोदी का बराबर तो उनकी धूल भी नहीं हो सकती। मतलब नहीं जीत रहे? नहीं आएंगे मोदी, नहीं जीत, मोदी जीते हैं। सपने सभी देखते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन प्रधानमंत्री वे होता है जो काम करके दिखाता है देश में। इनसे बढ़िया काम बताओ कुछ ने करा है? मेरे 40 साल की उम्र हो रही है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। दोस्तों मैं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज दोस्तों 2024 के चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त जो है राजीव कुमार आज 16 मार्च 2024 के शाम को 4 बजे लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह आगामी चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक चरण अलग अलग तारीख पर होगा। 19 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 1 जून 2024 अंतिम चरण के साथ समाप्त होगा। मुख्य चुनाव ने आज आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव 7 चरणों में होगा, 19 अप्रैल से 1 जून तक वो समाप्त होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अभी क्या है, चुनाव का जो घोषित किया गया है, चुनाव का जो टाइम या चुनाव का डेट, इससे पूरा गहमा गहमी, राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी है। तो उसमें कुछ क्लिपिंग मैंने लगाया है जिसमें कि जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो वोट देने जाएंगे, जो मतदान करने जाएंगे, उसका क्या क्या विचार है, उसका क्या ख्याल है, उसका भी तो लेना जरूरी है। टेम्परेचर जो होता है
पब्लिक का लेना जरूरी है, उस वही हार वही जीत जो है उसी से होता है नेता का। तो उसके लिए आम पब्लिक का क्या है, क्योंकि इधर तो आपका पूरा जितना भी कांग्रेस से लेके जितने भी पार्टी हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस, आपका अखिलेश की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और भी बहुत सारे 20-22 पार्टी हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। इधर मोदी जी, सब मिलके सबका एक ही मकसद है, सब पार्टी का, कि मोदी को हटाना है। अब जनता फैसला करेगी कि 2024 में किसके सर पे ताज रहेगा, मोदी के सर पे ताज रहेगा या जनरल जो 20-22 दल है उसके। आप सोचिए 20-22 दल ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन पीएम बनेगा। राहुल गांधी कांग्रेस के इकलौते हैं तो वो बन सकते हैं, अंदाज ही किया जा सकता है। तो इस तरह करके सब पार्टियां मिलके और एक बीजेपी, तो सब का कहना है सभी पार्टियों को कि बीजेपी को इस बार आने नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देना है, उसको रोकना है और 180 के अंदर उनको आउट करना है और बीजेपी को सत्ता से हटाना है। और बीजेपी वालों का क्या करना है, इस बार 400 पार, इस बार बीजेपी सरकार। तो आम पब्लिक, आम जनता, हम आप सभी इस बात का डिसाइड करेंगे कि कौन सत्ता में बैठेगा, किसके सर पे ताज सहरा बंधेगा, सत्ता का सहरा किस पार्टी पर बनेगा, या सब मिला हुआ पार्टी या बीजेपी। तो उसका मैंने कुछ क्लिपिंग किया है, क्लिपिंग हमने कवर किया है, उसको लगाया मैंने वीडियो में कि आम पब्लिक का, कुछ यूपी एरिया का, कुछ दिल्ली एरिया का, कि क्या टेम्परेचर है उसका, थर्मामीटर जो होता है पब्लिक में डाल के सबका, उसका टेम्परेचर को मैंने कवर किया है, टेम्परेचर वाला न्यूज को, तो उसको मैं लगाती हूँ। मोदी ने कोई जात बिरादरी नहीं करी, मोदी के लिए सब एक है, मोदी सबको अपना बच्चा मानते, और मोदी हमारी माँ और मोदी हमारे बाप, हमारे बच्चे के लिए सब कुछ मोदी। राहुल गांधी ने करा क्या है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा सब प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी को क्या पता। राहुल गांधी का तो पूरा का पूरा परिवार नाश हो गया, ऐसा राहुल गांधी हुए सब सब उन्हें वो करते। इंदिरा गांधी क्यों मारी गई, क्यों मारा गया संजय, और क्यों मारा गया राजीव गांधी, क्या है? और इसका जो तो खुले धाड़े से घूमता, ये तो कहता है मेरे कोई नहीं है, ये तो शेर का बच्चा। 400 पार आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी राहुल से बिल्कुल खत्म, राहुल खत्म। अरे प्रधानमंत्री नहीं, कहाँ से तुमने अपनी सीट कार्ड निकाल ली बताओ, कहाँ से निकाल ली, अमेठी जी भी हार गया, पूरा बंद हो, लड़ाई झगड़े ये तो सब खत्म ही हो गए, महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित ही नहीं, महिला ही सुरक्षित थी है। सबसे पहले काम महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया गया है, सबसे पहला काम। 400 पार का हुंकार भर के गए क्या निकलेंगे, तो मोदी जी 400 पार ही करेंगे भैया, ये सभी का विश्वास है और सभी बहनों का मोदी जी के प्रति, मोदी जी की तरफ हमारा हाथ है, हम मोदी जी के लिए ही कार्य करेंगे और मोदी जी को जिता के ही रहेंगे। दिल्ली में 27 पार्टियों का आज लोकतंत्र बचाओ रैली था, उसमें उन्होंने कहा 180 सीट नहीं निकलने देंगे हम मोदी जी। किसी के कहने से पार 400 पार आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी राहुल से बिल्कुल खत्म, राहुल खत्म। अरे प्रधानमंत्री नहीं, कहाँ से तुमने अपनी सीट कार्ड निकाल ली बताओ, कहाँ से निकाल ली, अमेठी जी भी हार गया, अमेठी जी भी हार गया, बताओ कहाँ से निकाल ली, क्या है वो, उसे बोलने का सब पता नहीं, क्या कह रहा क्या नहीं, कुछ नहीं कहते। वो बता रहे हैं कि मोदी जो है मैच मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो खरीद कर जो है वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो खरीदते नहीं है, वो किसी को खरीदते नहीं है, हम तो जो जनता कहती है ना वो अपने दिल से कहती है, और जनता का दिल है ना मोदी जी को ही गवाही देता, क्योंकि हम मोदी का परिवार है। कांग्रेस तो कह रहे हैं लाल किले पर झंडा राहुल गांधी फहराएंगे, अगर राहुल गांधी फहराएंगे तो अभी भी नहीं। अपनी जिंदगी में भी नहीं फहरा सकता राहुल,
मोदी जी। अच्छा। सबसे पहले मोदी जी ने फहराया है। अगर ऐसे ही बात की राहुल गांधी फहराएंगे तो अब तक राहुल गांधी कहाँ सो रहे थे? या इंग्लैंड में ही पढ़ाई कर रहे थे? संख्या है लगभग 25 करोड़ है। आज से आप 7 साल पहले जाओगे, बहन बेटियों का रात को 9 बजे निकलना दुर्भर था, किसी की चैन छीनी जा रही। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी की छोड़ो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी पिछले 10 साल से कह रहे हैं, लोग आज तक नहीं समझ पाए वो कह क्या रहे हैं। पर मोदी जी ने और योगी जी ने एक बार में ही आके बता दिया कि वो क्या कह रहे हैं, ये भी बता दिया वो क्या कह रहे हैं और कैसे कैसे ठोक रहे हैं अपराधियों को, योगी जी ने ये भी बता दिया। तो 27 दल इकट्ठा हो रही, 180 सीट नहीं आने देंगे। 27 नहीं, इस बार 400 पार है। मोदी जी 2029 तक, 29 के बाद 180 नहीं आने देंगे। योगी जी पत्ता नहीं हिलने दे रहे, अपराध होने नहीं दे रहे। आगे आप देख लेना, योगी जी ने कहा इस चौराहे पे लड़की को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे ठोक दिया जाएगा। इस बात को याद रखो, और कोई बात नहीं। वो चोरों की सरकार है। महंगाई बेरोजगारी, मोदी जी एक राजा है और वो राजा ही रहेंगे। मोदी जी राजा, मोदी जी राजा। राहुल गांधी वो चोर है। इसको बेच दिया है और उनकी माता ने भी देख। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार थे, हमको भी साजिश था। अगर वो ईमानदार थे, वो तो ईमानदार है। ईमानदार बड़ी अपना बंगला बना उसने, क्या करा हमने जनता के लिए क्या करा? अरे वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार भले ही हमें जेल में डाल दे लेकिन हमारा जो आत्मा है वो आम जनता के अंदर। नहीं, जनता कोई नहीं मानती, उन्हें कोई जनता नहीं मानती। जनता मोदी को चाह रही। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता श्री राम के साथ है और मोदी जी के साथ है। आप ज्यादा सवाल ना करें क्योंकि जनता का क्या कहना है, बोलो। जय श्री राम। सारे भ्रष्टाचार है, सब अपनी अपनी बचा रहे, उसका दबा दाब रहा, उसका दबा दाब रहा, सब बेकार है। हाँ जी, 2024 लाना है मोदी जी को, लाना मोदी जी को लाना है। बिल्कुल गांधी क्यों नहीं जी? नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो कुछ काम नहीं करते हैं, सब झूठ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम आएंगे सत्ता में सुरक्षा प्रदान करेंगे। पहले भी उनकी सरकार थी, कुछ नहीं करा। अब जो हमारे मोदी जी सब कर रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे, गरीबों को दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। वो मोदी जी बेस्ट हैं जी, बेस्ट। राहुल गांधी आज दिल्ली में राजधानी में जो है 27 पार्टियां इकट्ठी हुई है और वो कह रहे हैं 2024 में मोदी को हार देंगे। जी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, बस बोलने की बातें हैं। जी आंटी, क्या लगता है 2024 पाएंगे? पूरा ही पक्का मोदी आएंगे। मोदी ने जितना व्यवस्था कर दी, जितना मान सम्मान सबको दे दिया, उतना कोई नहीं दिया। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं, राहुल गांधी के जब वो थे तब खाली दंगा ही चलता था। अच्छा। अब दंगा पूरा बंद हो, दंगे लड़ाई झगड़े ये तो सब खत्म ही हो गए, महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित ही नहीं, महिलाएं ही सुरक्षित थी हैं। सबसे पहले काम महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया गया है। सबसे पहला काम योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में, पहले महिलाएं रात के समय भी नहीं, शाम के समय भी 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी, परंतु अब महिलाएं बाहर निकल सकती हैं। रात को आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग करता दिखाई देगा। कहीं कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है, हमेशा आप एक कॉल करिए, पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। आज मोदी जी का यहाँ पर हुंकार भर रहे थे 400 पार का, लेकिन वही सुनिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन वही राजधानी दिल्ली में 27 पार्टियां एक साथ होकर के हुंकार भर रही थी कि मोदी सरकार को 180 सीट भी नहीं आने देंगे। देखिए, 100 हमें ये नहीं पता 180 सीटें जाएंगी या 400 सीटें, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक एक आदमी दिल से मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो कि मोदी जी ने यहाँ से हुंकार भरी है 400 सीटों की, 400 का तो नहीं पता, लेकिन मेरठ से 400 से पार ही जाएंगे और मेरठ से तो बिल्कुल जीतेंगे। हर एक आदमी उनके साथ है और ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सुविधाएं दी हैं। दिल से केजरीवाल कह रहे हैं कट्टर ईमानदार थे, हमको भी जेल में। केजरीवाल ने क्या, केजरीवाल के तो कितने सारे अब खुलने वाले हैं राज, आप देखिए केजरीवाल के तो अब धीरे धीरे करके पत्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अब
बात कर रहे हैं, हम कट्टर ईमानदार थे, हमको भी जेल में ईमानदारी ईमानदारी कह रहे हैं, हम भले ही जेल में आ गए, जेल से सरकार चलाएं। ईमानदारी के चलते उन्होंने 10 साल में कितनी प्रॉपर्टी बना ली है, कितनी प्रॉपर्टी आप देखिएगा, अब तो खुलने शुरू हुए। कह रहे हैं कि हमें जेल भले भेज दी बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो आम दिलों के, आम जनता के दिलों के अंदर है, तो हमेशा सरकार। केजरीवाल जी क्या करते हैं, सिर्फ दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप दे देते हैं, बिजली फ्री और सबसे ज्यादा दारू फ्री, जिससे घर में झगड़े। वहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है, दिल्ली की महिलाओं से आप जाकर के बात करो, सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली की महिलाएं। 2024 में प्रधानमंत्री सपने देख रहे हैं, उनको सपने देखने दो, सपने तो सपने ही रहते हैं, एक बार साकार नहीं होगा साकार, मोदी जी होगी, राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट होगी, जब उसकी जब कोई बुद्धि काम नहीं करती था वो पागल हुआ फिर रहा और कुछ नहीं, और मेरठ वाले तो मोदी जी के भक्त हैं, जरूर मोदी आएंगे आएंगे आएंगे, मोदी जी जान से मोदी जो है इस वक्त मोदी जो है भगवान के रूप में है, मोदी ने वो परंपरा निभाई जो मर्यादा श्री राम ने निभाई थी, वो मोदी के अंदर मर्यादा है। राहुल गांधी कह रहे हैं जनता जाग चुकी है, सत्ता परिवर्तन होगा, राहुल गांधी पागल हो गया, राहुल गांधी पागल हो चुका, राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी हो मोदी के सिर पे भगवान श्री राम का हाथ, हनुमान जी का हाथ, मोदी आएगा आएगा, मोदी की सच्चाई, कोई वोट मत दो पर मोदी की सच्चाई आएगी, मोदी सच्चाई है, मोदी मोदी सच्चाई से लड़ता है, मोदी को कोई मोह माया नहीं है। मोदी का काम कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शब्दों से बोला ही नहीं जा रहा, अंदर से रोंगटे खड़े हो गए जब मोदी का काम। योगी मॉडल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कहे नहीं जाने का जो कर रहे हैं। सरकार है योगी मोदी की, दोनों की ईमानदारी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, कहीं भी मानना नहीं है। ईमानदारी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं भ्रष्ट सरकार, राहुल गांधी अपने मन से सोचते रहे जो सोच रहे हैं, राहुल गांधी क्या है, कुछ नहीं है राहुल गांधी, राहुल गांधी का बाप समझदार था, राहुल गांधी की बुद्धि खराब है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार था, हमको भी जेल भेज दिया। हाँ तो जाने देंगे, सारे जेल जाएंगे ना, उनके मन में, उनके छल में, उनकी नस नस में कपट है और कपटी कभी नहीं आएगा। कहते हैं कि हमारी हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, कुछ नहीं सरकार, जब लोग इन नेताओं की सरकार रही। आपको दोस्तों क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आएगी? या तो मिला जुला सब पार्टी आएगी या बीजेपी आएगी। बीजेपी भी जी जान लगा दिया है, इधर सभी पार्टी भी हराने पर जी जान लगा दिया है। अब बीजेपी का है इस बार 400 के पार, इस बार मोदी सरकार, इस बार बीजेपी सरकार, और जनरल जो सभी पार्टियां हैं, इस बार मोदी को हटाना है, इस बार 180 के अंदर मोदी को आउट करना है, इस बार उसको सत्ता से हटाना है बीजेपी को। तो क्या कौन सा कामयाब होगा वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका क्या अपना क्या लग रहा है, आप जहां रह रहे हैं वहां का क्या माहौल है, कौन आ सकता है 2024 में हमारे देश के सत्ता में, हमारे देश के रूलिंग पार्टी में किसका कब्जा रहेगा, किसका दबदबा बना रहेगा, बीजेपी या सब पार्टियों को मिलके जो ग्रुप बनाया है वो लोग, इंडिया या भारत क्या बनाया है इसी टाइप का, मेरे को कन्फर्म पता नहीं, वो लोग रहेगा या बीजेपी रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, और मैंने जो लगाया था कैसा लगा आपको, नॉर्मल पब्लिक का जो टेम्परेचर है, जो है बोलने का, वो तो मेरा जो अपना व्यू है कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, पर लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में, कब किसकी कब कौन पलट जाएगा उसका ठिकाना नहीं है, बड़े 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 धाकड़ यहाँ पर सत्ता से निकल आए हैं, निकल गए हैं, तो इसीलिए उसका कहना मुश्किल है। अब मतदान के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हार किसकी जीत, कौन सत्ता में कौन सत्ता से बाहर। तब तक इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आते रहूंगी। और 2024 का आप लोग भी इंतजार कीजिए, वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए जरूर जाइए, आपका हक है कि चुनाव करने का, आपके जो नुमाइंदा जो आप चुनाव करके जाएंगे
वही सत्ता में रहेंगे और आपके भाग्य का फैसला करेंगे, समाज का, देश का, राज्य का, सभी का। इसीलिए मतदान जरूर कीजिए, वोट जरूर दीजिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।